वालेकुम दोस्तों ट्रीजर ऑफ नॉलेज दर्ट एडिशन में हमने जो इस्लामिया क्लासे चहारम के इंस्टिक्यूज़ का सिलसिला शुरू किया है हमारे साथ आज टॉपिक है शोब अबी तालिब आज हम इस हवाले से अहम इंस्टिक्यूज़ को सीखने और समझने की कोशिश करेंगे हमारे साथ पहला इंस्टिक्यूज़ है अरबी ज़ुबान में दो पहाड़ों के दरमियान खाली जगह को शॉप कहते हैं यानी दो पहाड़ों के दरमियान जो खाली जगह होती है उनको हम शॉप बोलते हैं शॉप से मुराद है घाटी यानी शॉप का मतलब है घाटी ठीक है छोटी मैदान या सेहरा नहीं बल्कि घाटी को शौब कहते हैं शॉप अभी मक्का से तीन मील के फ़ासले पर कहा वाक़ है तो शोब अभी जो है वो मक्का से तीन मील के फासले पर किस समत में है तो वो वो है जबल खुजामा में ठीक है तो ये वहाँ पर वाक़ है शोब अबी तालिब मलकियती यानी ये किसकी मलकियती तो ये बनु हाशिम की मलकियती यानी शोब अभी तालिब बनु हाशिम की मलकियती बनु हाशिम के सरदार थे यानी जो बनु हाशिम के उस वक्त के सरदार थे हजरत अबू तालिब जो था ता वो बनु हाशिम के सरदार थे शोब अभी तालिब ये कोहे सफा और कोहे मरवा के दर करीब वाक़ है यानी कोहे सफा और कोहे मरवा केरीब वाक़े है ठीक है शोबे अभी तारिफ कुरेश के लोग इकट्ठी हुई तो वो कहाँ पे इकट्ठी हुई वा वादी महसब में तो वादी महसब में वो इकट्ठे हो गई थी ठीक है कुरेश के कबाइल ने मुसलमानों का माशरती बाइकाट जो किया था उनके दरमियान जो उनके हवाले से जो माह उन्होंने लिखा था वो माहदा कहाँ पर लटकाया गया तो काबा की मगरबी दीवार पर यानी खाना क़बा की मगरबी दीवार पर वो जो उन्होंने माहदा लिखा था वो लटकाया गया था किसने ने का साथ दिया था तो जो हुजूर के रिश्तेदार है उनमें से अबू लाहब ने मशरकिन का साथ दिया था किसने ने शोब अभी तालिब में कुफार के सामने झुकने से इनकार किया तो शोब अभी तालब में कुफार के सामने झुकने से इनकार करने वाले बनु मतलब और बनु हाशिम यानी इन दोनों ने यह जो कबाइल है यानी बनु मतलब और बनु हाशिम इन्होंने कुफार के सामने झुकने से इनकार किया ये मुहासरा जारी रहा तो ये जो मुहासरा उन्होंने किया था ये तीन साल तक जारी रहा कुरैश ने जो मुआहदा खान काबा में लटकाया था उसे चाट लिया दीमक ने तो इसको किसने चाट लिया था दीमक ने कुरैश के फैसले के खिलाफ दर्ज में से किस शख्सियत ने आवाज उठाई थी तो हशाम इब्न उमरू ने आवाज इस फैसले के खिलाफ उठाई थी तो इसके साथ ही हमारा जो टॉपिक था अहम एमसीक्यूज आज मुकम्मल हो गए अगली वीडियो में हम मजीद अहम पॉइंट्स को सीखने और समझने की कोशिश करेंगे वीडियो देखने का शुक्रिया